जलगांव जिले के सावदा शहर में कई वर्षों से सुप्रसिद्ध डायमंड इंग्लिश स्कूल सावदा में केजी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू। साथ ही नीट जेईई यूपीएससी की क्लास के लिए कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों से शिक्षक को अपॉइंट कर हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल का पता है ख्वाजा नगर, सावदा जिला, जलगांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी भुसावल शहर के पापा नगर में स्थित मुस्लिम शादी हॉल में पापा नगर यंग ग्रुप की ओर से हजरत इमाम हुसैन की याद में भोजन लंगर का आयोजन शेख पापा शेख कालू के मार्गदर्शन से और शेख इमरान शेख पापा की अध्यक्षता में किया गया। लंगर में बिज पुलाव और मीठा पकवान बनाया गया, जिसका स्वादिष्ट लाभ 3000 लोगों ने लिए। वहीं शेख जावेद, शेख अहमद, शेख शामसुद्दीन टीटूर, शेख मुस्ताक, शेख खाटिक, फारूक शाह, एजाज खान, राजा शेख, रहीम शेख, सोनू शेख ने सहयोग किया। जो इमाम हुसैन के नाम से जो पापा नगर में, पापा नगर के नौजवान जो बच्चे हैं, जो लोगों ने अपनी मेहनत करके जो खाने का प्रोग्राम रखा है यहाँ, तो ये जो लंगर है इमाम हसन हुसैन के नाम का, एक तबरुक है। इसको जो भी खाता है वो कोई भी बीमारी रहो, कुछ भी रहो, तंदुरुस्त रहता है। और ये जो लंगर है इमाम हसन हुसैन के नाम का, जो मुस्लिम समाज के नौजवान बच्चों ने, पापा नगर के नौजवान बच्चों ने, जैसे कि हमारे इमरान भाई हो गए, मुश्ताक भाई हो गए, फारूक भाई हो गए, सभी हमारे पापा नगर के कार्यकर्ता है। एक गोर गरीब एरिया में रहने वाले गोर गरीब लोगों का एक ख्याल रखते हुए भी कम से कम ये लंगर का 2500-3000 लोग लाभ लेंगे। तो मैं ये सभी नौजवान बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। और जो भी है मुस्लिम समाज के जो नौजवान बच्चे हैं, जो भी धार्मिक काम करते हैं तो वो एक नेकी से ही काम होता है। जैसे कि मुहर्रम की 7 तारीख को छबील दरबार गली गलियों में रोड़ों में बांटा जाता है, तो भी एक सवाब का काम है, नेकी का काम है। और ये जो लंगर लगा गया है, तो आज जो गोर गरीब है पापा नगर में रहने वाले और जो आसपास में रहने वाले हैं, तो आज एक दिन का खर्चा वो लोगों का बच भी जाता है। तो मैं फिर से ये बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि हर साल इसी तरह करते रहे, अल्लाह के नाम पे कराने से कुछ कम नहीं होता है। मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। अब सलाम अलैकुम। हज़रात मोहतरम, बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि पापा नगर मुस्लिम समाज हाल में आज बतारीख 22 जुलाई बरोज़ पीर बाद नमाज मगरिब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और शहदाए करबला के नाम से मंसूब लंगर आम रखा गया है। और इसमें जिन नौजवान बच्चों ने हिस्सा लिया है वो बड़े ही मुबारकबाद के लायक हैं कि उन्होंने शहदाए करबला के नाम पर यह लंगर आम रखा। वो शहदाए करबला जिन्होंने दीन की खातिर अपनी कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया है, शरीयत मुस्तफ़ा को बचाया है, यकीनन इस लंगर आम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है अल्लाह उनको दिन दूनी रात चौथ तरक्की अदा फरमाए। और इस लंगर आम को खाने वाले अगर इस नियत से खाएंगे कि उनकी जो भी परेशानी, बलाएँ, मुसीबतें हैं, अल्लाह शहदाए करबला के सदक़े उनकी तमाम हाजतों को पूरा पैदा फरमाएगा। बस अपनी बात मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ। मुहर्रम होते हमारे 10 दिन के, 10 दिन में 7 तारीख 5 से हमारे जो मुस्लिम समाज के जवान बच्चे हैं वो शरबत छबील का प्रोग्राम रखते हैं। और आज जो प्रोग्राम पापा नगर के इन ग्रुप के जो बच्चों ने रखे है, इसमें अपनारे इमरान भाई है, फारूक भाई है, मुरू भाई है, सभी पापा नगर के नौजवान कार्यकर्ता है। तो जो आज जो ये 10-12 जो डेगे है, 3000-3500 लोगों का जो खाना रखा गया है, तो ये जो खाना है एक सवाब की तौर पे होता है और सभी इसका जो लाभ है सभी हिंदू मुस्लिम भाई लेते हैं। इसका जो लाभ है एक तबरुक की तौर पे सभी लोग लेते हैं। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसका लाभ लें। आप क्यों बोलना चाहिए? ये इमाम हुसैन की याद में हम लंगर का कार्यक्रम हर साल करते हैं। जो हमारे पापा नगर के यंग लड़के, उनकी तरफ से कार्यक्रम लिया जाता है। जिस तरह से करबला के मैदान में हमारे इमाम हुसैन को पानी के लिए तरसाया गया, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम उनकी याद में पानी, क्या खाना, पानी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ लोगों को पिलाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे।
ये हमारा संदेश देने का उद्देश्य है और इसमें कोई जाति धर्म का मामला नहीं है। इसमें हर तरीके के लोग आके खाना खाते हैं और गरीब लोग अपना एक दिन का खाना उनका हो जाता है इस तरह लंगर में। भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है। वह किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा, बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटेटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन, बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन, बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम व MI तेली स्कूल की छात्र वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन, संपर्क करें मोहम्मद अली रोड खड़गा रोड MI तेली स्कूल भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुरा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वो बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786, ईमेल आईडी bspatelagricultural@gmail.com, वेबसाइट bspatelagricultural.com। जलगांव जिले के सावदा शहर में कई वर्षों से सुप्रसिद्ध इकबाल शेख हुसैन मल्टीपर्पज फाउंडेशन द्वारा संचालित डायमंड इंग्लिश स्कूल सावदा में KG से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू, जिसमें आपके बच्चों को कुशल और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, प्रोजेक्टर द्वारा डिजिटल शिक्षा, छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, भव्य प्लेग्राउंड, तंबाकू मुक्त परिसर, विज्ञान मेले, श्रेष्ठ वार्षिक परिणाम, माता पिता से मीटिंग, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन, शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन, जिला विभाग राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, साइंस लैब और लाइब्रेरी, RO फिल्टर पानी की सुविधा के साथ स्कूल बस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही नीट JEE UPSC की क्लास के लिए कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों से शिक्षक को अपॉइंट कर हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल का पता है ख्वाजा नगर, सावदा जिला, जलगांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे 9158555777 पर।